यूज ऑफ आफ्टर, ठीक है, कि इट इज यू इन सेंस ऑफ, इन सेंस ऑफ लेटर दैन, आप देखिए कि आफ्टर का जो यूज होता है ना सीक्वेंस में होता है, इसका यूज जो होता है सीक्वेंस में होता है, कि लेटर दैन के सेंस में किया जाता है। लेटर दैन का मतलब हुआ कि बाद में, आफ्टर का यूज होता है बाद में, जैसे बी कम्स आफ्टर ए। अब बात समझिए कि बी जो है ए के बाद आता है, तो लेटर दैन का मतलब भी होता है बाद में, तो बी कम्स आफ्टर ए, यानी कि बी जो होता है ए के बाद होता है। एक और देखो, आई ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर माई फ्रेंड्स, आई ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बाद मीटिंग ज्वाइन किया था। तो यहां पर देखा जाए तो ये सीक्वेंस की बात हो रही है कि लेटर दैन, मेरे दोस्तों के बाद, तो लेटर दैन के सेंस में आफ्टर का यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी को कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है? नोट किया जाए, नोट किया जाए, डन हो गया ना। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मंडे comes same after Sunday, तो संडे के बाद, तो के बाद यानी कि लेटर देन के सेंस में आफ्टर का यूज किया जाता है। क्लियर है सबको? ओके, ठीक, मिटा दे इसके, चलो स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट। आप देखिए It is also used. It is also used in sense of in a style of. अब आप समझिए, in a style of का मतलब होता है कि तरीके से, in a style of मतलब कि उसी टेक्निक से, उसी तरीके से, जैसे तेज प्रताप मेक्स अ स्पीच, तेज प्रताप मेक्स अ स्पीच आफ्टर एलपी यादव, तेज प्रताप लालू जी के स्टाइल में भाषण देते हैं, तो के स्टाइल यानी कि इन स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस में हम प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं, यानी कि तेज प्रताप मेक्स ए स्पीच, तेज प्रताप जो उनके बड़े बेटे हैं वे भाषण देते हैं लालू यादव के स्टाइल में। बात समझ में आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा आप लोगों को? अच्छा ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर। कोई मैसेज दे रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा? चलो ठीक है, समझ में आ रही है सर। इन इन स्टाइल ऑफ में के सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं, हो गया, क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट।
Nice. Use of from. Use of from. It is used. It is used in sense of apart from. अब बात समझिएगा ना कि from का जो यूज किया जाता है वो किसी चीज से अपार्ट. अपार्ट का मतलब होता है अलग होना. अलग होने के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है. जैसे कोई भी जगह से या कोई भी चीज किसी जगह से केवल सेपरेट हो जाए तो वहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है. लाइक आई कम फ्रॉम साधनापुरी. आई कम फ्रॉम साधनापुरी. तो मैं साधनापुरी से आता हूँ. यानी कि कहीं से भी अपार्ट यानी कि कहीं किसी भी जगह से जब बात सेपरेशन की होगी अलगाव की होगी जब आदमी अलग होगा एक जगह से कैसे अलग हुआ तो वहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है. जैसे एक और एग्जांपल देते हैं. फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री. आप देखते हैं कि फ्रूट्स जो है पेड़ से गिरे हैं. तो पेड़ से सटा हुआ है और जैसे पेड़ से फल हटा यानी कि गिरा को हटा तो जैसे वहां पे सेपरेट हुआ तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज वहां पे हो जाएगा. बात समझना रख रहा. जिसको दिक्कत होगा वह चैट में बोलता रहेगा, उसको रिपीट भी किया जाएगा और जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा. दो दो क्वेश्चन दो एग्जांपल को नोट किया जाए. डन. ओके. चैप्टर नेम प्रीपोजिशन. ये चैप्टर चल रहा है आपका प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन चल रहा है. फ्रॉम हो गया. आई हैव डन. हाँ बोला जाए कनिष्का बोला जाए. आप चैट में बोलो या ऐसे ओरली बोल सकती हैं. बोलिए कनिष्का ओरली बोल सकती हैं. आप बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो कोई भी चीज एक जगह जब तक है तब तक ठीक है. जैसे एक चीज दूसरे. अच्छा तो बता रहे थे कि फ्रॉम का यूज जो होता है ना, जैसे एक वर्ड होता है जुदाई. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति पर्सन एक जगह से जैसे वहां से वह अलग हटेगा जब तक है साथ में ठीक है. जैसे वहां से अलग हटेगा तो अलग हटा तो वहां पे से हिंदी में अर्थ आएगा से. और जैसे से आया तो उसका हिंदी होता है फ्रॉम. उसका हिंदी होगा फ्रॉम. जैसे कि आई एम फ्रॉम बिहार. मैं बिहार से हूं. अरे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं साधनापुरी से आता हूँ. साधनापुरी एक जगह वहां से मैं यहाँ आता हूँ तो वहां से अलग हुआ तब तो जाके फिर यहाँ पे आया. फल पेड़ से गिरे तो पेड़ से गिरे पेड़ पे पहले से थे वहां से हटे. वहां से हट गए तो सेपरेशन हुआ. तो जब भी बात सेपरेशन की आएगी तो वहां पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है. कि फ्रॉम का यूज कहाँ हुआ कि जैसे दो टाइम होता है. ये रहा एक टाइम और फिर एक टाइम और आया. यहाँ पे दो टाइम हुआ. ये रहा फर्स्ट वाला टाइम और ये रहा सेकंड वाला टाइम. दो टाइम हुआ यहाँ पर. तो कहता है कि जब सेंटेंस में दो टाइम का यूज किया गया हो तो जो भी फर्स्ट वाला टाइम होगा उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है. थोड़ा सा समझ आया कि जब भी दो टाइम एक और एक दो टाइम
आएगा किसी सेंटेंस में एक साथ, तो फर्स्ट वाले टाइम के साथ फ्रॉम एंड विद सेकेंड प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जब भी दो टाइम एक साथ आएगा तो फर्स्ट वाले के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है एंड सेकेंड वाले टाइम के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। बहुत कई बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है, कि फर्स्ट वाले के साथ फ्रॉम एंड सेकेंड वाले के साथ टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बात समझ में आई कि दो टाइम एक साथ यूज होगा तो फर्स्ट वाले के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा एंड लास्ट आई मीन विद सेकंड टाइम प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि मॉर्निंग एक टाइम है और इवनिंग भी टाइम है, तो दो टाइम तो मिला तो फर्स्ट वाले के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा। आप सुनाई दे रहे आप लोगों को, एवरीवन इज गेटिंग मी और नॉट? हेलो, सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो फर्स्ट वाले के साथ प्रीपोजिशन किसका यूज होगा? फ्रॉम। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे
You got the opportunity. My father works. My father works. That's 6 a.m. That's 8 p.m. My father works. That's 6 a.m. That's 8 p.m. Option from what second name by B name by from. Two from semen from with and demon from and second word two. Answer the other. My father works then 6 a.m. then 8 p.m. Answer the other. Okay, very good. Very good. बात समझ में आ रही है कि दो टाइम दिया हुआ तो फर्स्ट वाले टाइम के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा एंड जो लास्ट वाला टाइम होगा उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होगा. तो फर्स्ट वाला टाइम 6 a.m. है तो इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा एंड लास्ट वाले के साथ प्रीपोजिशन टू होगा. तो फर्स्ट वाले में फ्रॉम एंड लास्ट वाले में टू. देयरफॉर आंसर विल बी डी. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है. परंतु नो प्रॉब्लम सर. आगे बढ़े आप. चलिए नेक्स्ट. यस सर. It also indicates. It also indicates time. From जो होता है time को भी notice करता है. जैसे I shall be teaching you from Monday. ये Monday मेरा single time है. तो Monday से ये काम start होगा. Monday से ये काम start होगा. तो इसके साथ क्या लग गया? Preposition from. अच्छा घर के लिए इसको. Not yet. चलिए एक नोट. फ्रॉम इज यूज्ड. फ्रॉम इज यूज्ड instead of. एक फ्रेज है instead of. इसका मतलब होता है in the place of. ठीक. From is used. From का यूज किया जाता है in instead of since. In instead of since. In future tense. जहां जहां सिंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट में वही जब बात होगी फ्यूचर की तो फ्यूचर के सेंटेंस में सिंस का यूज नहीं बल्कि उसी के सिंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है. यहाँ पे सिंस का यूज होता था प्रेजेंट और पास्ट में तो फ्यूचर टेंस में उसका यूज जो होगा उसके जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है. जैसे हमने कहा कि I have been teaching here. I have been teaching here. That's 2018. 2018 से पढ़ा रहे हैं. तो अब होगा कि from
ऑप्शंस फ्रॉम ऑप्शंस पढ़ देखते हैं. Him will happen. He will happen teaching here. He will happen teaching here. Bands 2021. After that, from or since. तो दोनों में differences ये हैं कि have been का मतलब होता है कि ये है हमारा present tense. ये है हमारा present tense. तो present tense और will sign will लग गया, यानी कि गा देगी, यानी कि ये future को indicate करता है. यानी कि ये टेंस हो गया हमारा फ्यूचर टेंस. तो अभी हमने कहा कि फ्यूचर टेंस में सिंस इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर. तो सिंस के स्थान पर इसका यूज किया जाता है फ्रॉम का. अजी तो ऊपर वाला प्रेजेंट टेंस है, देयरफॉर 2018 के पहले यहाँ पे सिंस का यूज होगा और नीचे वाला 2021 फ्रॉम 2020 चल रहा है, तो आगे जो 21 आएगा तो ये फ्यूचर टाइम है. तो देयरफॉर फ्यूचर के टेंस में हम सिंस का यूज नहीं बल्कि फ्रॉम का यूज करते हैं. थोड़ा सा समझ आ रहा है? क्लियर है? यस सर. आशुतोष, पास्ट वाला प्रेजेंट है, हमने फ्रॉम का यूज कहां कहां फ्यूचर टेंस में लगाने के लिए. तो फ्यूचर सेकेंड वाला है तो फ्यूचर में फ्रॉम लगेगा, और पास्ट वाला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में सिंस लगेगा. आप ठीक है? ये क्लियर समझ आ रहा है आप लोगों को? फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट डन हो गया. आप समझिए, एक नोट समझाते हैं. From is used from and from your and of both are used change the form. अब बात समझिएगा कि हमने कहा कि from और of दोनों का जो यूज होता है फॉर्म को चेंज करने के लिए होता है, यानी कि किसी चीज का लुक जो है उस पूरे सिस्टम को चेंज करने का काम करता है from और preposition of, दोनों काम कर देता है. हमारा from भी सही है और of भी सही है, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से ये दोनों वर्ड का यूज होता है. यानी कि फ्रॉम से भी शेप चेंज होता है, उसका रूप चेंज होता है, और ऑफ से भी उसका रूप चेंज होता है. तो आप समझिएगा कि कह रहा है कि फ्रॉम व्हेन शेप एंड साइज, व्हेन शेप एंड साइज both are changed, then from is used. When only size changes, then of is used. अब बात समझिएगा. Point one, ये point two. हमने कहा कि form को change करने के लिए from और of दोनों का use किया जाता है. From का use भी होता है, as well of का भी use होता है. तब जब form change करना होगा, तब. अब समझिए. अगर दोनों में बदलाव हो जाए, कौन कौन शेप में भी बदलाव हो जाए एंड साइज में भी चेंजेस आ जाए, शेप भी चेंज हो साइज भी चेंज हो,
तो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, और केवल एक चीज चेंज हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। अब समझिए, अब ऐसे समझिए एक बार कि अगर हम कोई चीज कोई थिंग को किसी दूसरे चीज को बनाने में यूज करते हैं, कोई भी चीज है, इस चीज से हम मैन्युफैक्चर कोई दूसरा चीज कर लेते हैं या दूसरा चीज हमने बना लिया, अगर उसी चीज से हम फिर चाहें कि जो मेरा पहला वाला चीज था अगर हम उसको फिर से बना पाए, एक चीज से मैंने दूसरा चीज बना लिया, कोई चीज है उससे हमने दूसरा चीज बनाया, अब फिर इस सेकेंड वाले जो दूसरा बना उससे हम फिर से वो पहला वाला चीज बना पाए, अगर वो बन जाए, पहला वाला चीज बन जाए, यानी कि एक चेंज हुआ साइज तो वहां पे ऑफ लगेगा, लेकिन एक से दूसरा चीज बने अब फिर दूसरा से वो पहला वाला चीज ना बन पाए तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। बात समझ आ रहा है? फिर से हमने कहा कि एक चीज से दूसरा चीज बने या फिर दूसरा से पहला चीज बन जाए तो आओ, लेकिन फिर दूसरा बना दूसरा से पहला चीज ना बन पाए तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। जैसे अगर हम कहें, एग्जांपल समझिएगा कि कार इज मेड डैश मिल्क, तो दूध से दही बनता है तो उसका फॉर्म चेंज हुआ, पहले पतला था अब दही मोटा हो गया, तो यहाँ पे दोनों प्रीपोजिशन देते हैं, रूप तो बदल गया, रूप बदलने के लिए ऑफ और फ्रॉम दोनों का यूज किया जाता है, तो ऑफ भी मैंने दे दिया और फ्रॉम भी दे दिया। आप समझिए, रिंग इज मेड डैंस गुड, रिंग इज मेड डैंस गुड, या रिंग की जगह पे आप बता दो कि दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड, प्रीपोजिशन आपका ऑफ भी लगा एप्पल, फ्रॉम भी लगा, ऑफ भी लगा फ्रॉम भी लगा, तो आप दोनों क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, नंबर वन एंड नंबर टू। पहला वाला क्वेश्चन है कि कर्ड दूध से बनता है, तो दूध से बना दही तो हमने कहा कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन गई, केमिकल फिजिकल दोनों होगा तो फ्रॉम। आप समझिए, एक चीज से केमिकल आओ, ठीक, अभी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनी और फिर उस दूसरी से हम पहला वाला वस्तु बना पाए तो ऑफ, अगर दूसरा बना दूसरा से फिर पहला वाला नहीं बन पाया तो वहां पे फ्रॉम होगा। तो आप देखिए कि दही दूध से बना बन गया, तो क्या फिर से दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बन पाएगा, एक ही बनेगा, दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बनता, यानी कि एक से दूसरा बन गया लेकिन फिर इस दही से दूध नहीं बन पाएगा, यानी कि एक चेंजेज हो रहा है, तो जब एक बदलाव होगा, मात्र एक बदलाव होगा तो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, और जब दोनों तरीके से बदल जाए, दोनों तरीके से बदल जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ होगा। जैसे रिंग बना है गोल्ड से, तो गोल्ड से बन गया रिंग, इस गोल्ड से रिंग बन गया, तो हम फिर से चाहे तो इस रिंग को गला के हम गोल्ड बना सकते हैं, इस रिंग से हम फिर गोल्ड बना सकते हैं, गोल्ड से फिर से रिंग बनाया जा सकता है, दोनों बदल सकता है, दोनों बदल सकता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ऑफ, और ये दूसरा नहीं बन पाएगा तो फ्रॉम, दूसरा जब ना बन पाए तो फ्रॉम, अगर दूसरा बन जाए तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। इसको नोट किया जाए, एक और एग्जांपल दे दे, सर नोट कर लिया, डन, ओके, एक बार एग्जांपल समझिएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया ना कि दूसरा बन जाए अब फिर दूसरा से पहला ना बने तो वो फ्रॉम, अगर दूसरा से भी पहला बन जाए तो ऑफ। हाँ, फ्रॉम फायर होगा क्योंकि फिर से तो वो पेपर बनेगा नहीं। अब समझिए, हम कहें कि दिस बिल्डिंग
is denoted as brisk. या तो ऑफ होगा या तो फ्रॉम होगा, बनाया जाएगा ऑफ और फ्रॉम, कौन सा होगा ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? आंसर दिया जाए कि यहाँ पे क्या होगा, यह घर जो है ईंट से बनी हुई है, फ्रॉम ऑफ 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 फ्रॉम से चलानी, फटाफट आंसर दीजिए ऑफ ऑफ ऑफ। चलो ठीक है, आप समझिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं बल्कि बोला ऑफ होगा, रीजन कि यह घर बना ईंट से, तो फिर से हम चाहें तो इस घर को तोड़ के हम एक एक ईंट निकाल सकते हैं, माना कि ये ईंट है, ईंट से घर तो बन गया, चलो एक चीज बन गया, तो फिर हम अगर चाहें तो इस घर को तोड़ दें तो फिर से मेरा ईंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना? हाँ रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो रिवर्स तो हो ही जा रहा है कि बिल्डिंग तो बन गया ईंट से, अब फिर हम उस चाहें तो उसको तोड़ के ईंट बना सकते हैं, यानी कि तोड़ देंगे एक एक ईंट हमारा निकल जाएगा, बिकॉज बिल्डिंग तो आजकल पिलर पे बन रही है, तो एक एक ईंट निकल जाएगी, तो वह रिफॉर्म हो जा रहा है, रिवर्सिबल है, रिफॉर्म हो जा रहा है, therefore आंसर आपका क्या होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। अच्छा तो दीवार में ईंट हमने जोड़ दिया और दीवार को तोड़ दिया तो उसमें से मिट्टी निकलेगा, मिट्टी थोड़ी निकलेगा, जब निकलेगा तो ईंट ही निकलेगा, लेकिन दूध से दही बन गया, अगर दही को हम अगर गैस पे रख दें तो ऐसा नहीं कि दही को रख देंगे गैस पे तो उधर से फिर दूध निकल जाए, रिफॉर्म तो होगा नहीं, therefore जब रिफॉर्म ना हो तो फ्रॉम, जब हो जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ, बात समझ में आ रही है नंबर। चलिए नेक्स्ट, अवेडिंग यूज ऑफ अगेंस्ट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, परेशान मत होइएगा, और इससे हर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टफ चैप्टर होता है, बड़ा भी होता है, इसलिए परेशान नहीं होना। यूज ऑफ अगेंस्ट, देन इट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ अपोजिशन टू एस बी या एस टी, एस बी का मतलब होता है समबडी और एस टी का मतलब होता है समथिंग, एस बी समबडी और एस टी समथिंग, एस टी समथिंग, आप समझिए, तो अपोजिशन का मतलब क्या होता है, उल्टा विरुद्ध, उल्टा विरुद्ध विरोध विरुद्ध, तो जब भी अपोजिशन टू समबडी किसी व्यक्ति या वस्तु के अपोजिशन की बात होगी तो वहां पर अगेंस्ट का यूज किया जाता है, जैसे देखिए ओपनिंग द इंस्टीट्यूट इज नाउ against the law, बात समझ आ रहा है कि अभी कोचिंग खोलना, जैसे कि गवर्नमेंट बैन लगा रखा है अभी लॉकडाउन के कारण, सारे शिक्षण संस्थान जो है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सब के सभी बंद है, तो कहता है कि अगर इंस्टीट्यूट को खोला जाए, ओपनिंग द इंस्टीट्यूट, स्कूल या इंस्टीट्यूट को खोलना अभी कानून के क्या है, अपोजिशन में है, अगेंस्ट में है, विरुद्ध में काम है, अगर कोई कोचिंग ऑफलाइन खुला के पढ़ा रहा है यानी कि वो कानून के क्या है, विरुद्ध है काम है, कभी भी पुलिस पकड़ के उन्हें जेल कर सकती है, फाइन लगा सकती है, बात समझ आ रहा है, एक और देखिए विषय नॉट swim, we should not swim against the current,
करंट का मतलब होता है धारा, धारा के विरुद्ध उल्टा नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि पानी में इतनी ताकत होती है कि किसी भी चीज को उड़ा सकती है, देयरफॉर उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन में उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम कहें आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी हियर, I am not against anybody here. मैं किसी के विरुद्ध यहाँ नहीं हूँ, मैं सबके फेवर में हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं किसी के विरुद्ध, against का मतलब क्या हुआ? विरुद्ध। Not के लिए तीन एग्जांपल, against वाला। Not के लिए। Done? किसी को दिक्कत है यहाँ पे against के यूज में? केवल के विरुद्ध का, जहां भी सेंस आएगा वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, यहां पे दिखेगा इट इज आल्सो यूज्ड in sense of, in sense of touch with का मतलब होता है से सटना, touch with का मतलब होता है से सटना, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बोर्ड के साथ सट के खड़ा हो गया, तो जैसे मैं इस बोर्ड के साथ सटा, तो ये सटने का जो इंग्लिश होगा अगेंस्ट होता है। बात समझ आ रहा है? जैसे देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटकर एक सीढ़ी है, जब इस सीढ़ी को रखा जाएगा तो वो सट ही जाएगा, बिकॉज़ नॉन लिविंग है। तो जैसे रखा गया तो वो दीवार से सटकर है, तो एक दीवार से सटकर एक सीढ़ी रखा गया है, तो वहां पे क्या जाएगा? अगेंस्ट का हिंदी होता है से सटकर, यानी कि टच विथ या कनेक्ट विथ। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग, I was standing against, I was standing against the whiteboard. I was standing against the whiteboard. मैं whiteboard से सटकर खड़ा था, तो जैसे यहां सटा तो से सटकर का इंग्लिश क्या होगा? Against। नोट के लिए एग्जांपल, जिसको दिक्कत होगा वह चैट में बोलता रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। डन, ओके। अब है अगेंस्ट हो गया, आप रेडिंग दीजिएगा यूज ऑफ। जैसे ओ एफ इज यूज टू शो the reason, show the reason of an action,
बेटा कि ऑफ का जो यूज होता है किसी एक्शन के रीजन को शो करने के लिए किया जाता है। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका रीजन क्या है, तो उस रीजन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। हाउ टू नो इट इज टच विद और अपोजिशन, बता दें ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है, ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में और किस सेंस का यूज कर रहे हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट को, कि आप टच में हैं या अपोजिशन में हैं, तो उस सेंस में जिस सेंस में आप यूज कर रहे हैं उसी सेंस में वो लगेगा। जैसे आप समझिए, तो ऑफ का यूज होता है किसी एक्शन के रीजन को शो करने, कोई काम हुआ उसका कारण क्या है, तो जैसे कारण आएगा सामने तो उस कारण के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो जाएगा। लाइक हम कहें कि आई एम टायर्ड का मतलब होता है कि मैं थक गया हूं, ठीक है, मैं थक गया हूं। तो आप समझिएगा कि मैं थक गया हूं तो थकने का कोई ना कोई तो कारण होगा ना, दौड़ने से, चलने से, काम करने से कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी थके हैं, या सोने से भी आदमी थक जाता है। तो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं ऑफ वर्किंग। आप समझिए, ये सेंटेंस में कहता है कि थक गया है काम करने से, तो थकने का इसमें कारण कौन है, काम। तो कभी भी एक्शन का कोई कारण हो जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, ऑफ। इसके थकने का रीजन एक ही है, काम, बेचारा काम किया है इसीलिए थक गया है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, हम कहें many people died of corona या covid-19। आप समझिएगा, बहुत सारे लोग मर गए। इन लोगों के मरने का कारण कौन है, कोरोना, covid-19। तो काम हुआ, इसका कारण क्या है, कोरोना। तो किसी भी कारण को जब शो किया जाएगा तो कारण के साथ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। तो समझ आ रहा है, कोई भी कारण हो तो उसके साथ क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा, जिससे कोई एक्शन हुआ। मर गया तो मरने का कारण कोरोना है, यहाँ पे थक गया तो उसके थकने का कारण क्या है, वर्किंग है, ठीक है ना। नोट किया, दो एग्जाम्पल लिखा जाए। हाँ, यहाँ पे ऑफ का हिंदी से आएगा, तभी तो हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग मरे कोरोना से, काम से, तो यहाँ पे से होगा, एकदम डेफिनेटली से होगा, निश्चित से होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन। आप समझिएगा, CAUSE cause और REASON reason, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, ये दो अलग अलग वर्ड हैं और दोनों का हिंदी सेम होता है, के कारण, कॉज मतलब भी कारण, रीजन मतलब भी कारण, दोनों का हिंदी सेम, के कारण। अब अच्छा मिलिए, लेकिन कहता है प्रीपोजिशन कि कॉज ऐसा वर्ड है जिसके साथ वह एक ही प्रीपोजिशन लेगा ऑफ, कोई दूसरा प्रीपोजिशन दिया जाएगा अनएक्सेप्टेबल है, और रीजन ऐसा प्रीपोजिशन सॉरी वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन जब लगेगा तो फॉर लगेगा, ऑफ नहीं लग सकता। हिंदी दोनों का सेम है लेकिन दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो कॉज के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि जब लगेगा तो ऑफ लगेगा, और रीजन के साथ ये भी फिक्स है कि जब लगेगा तो फॉर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल,
What is the cause then? Sushant's murder. The death. आप समझते हैं कि what is the cause then? Sushant's death. A. Or B. From C. Of D. By. ये चारों preposition है. एक और example. The reason is her absence is that the reason is her absence is that she is unwell. She is unwell. अब आप समझिए. A में of B में for C में by और डी में विद. ये चार ऑप्शन हो गया. आंसर दिया जाए फर्स्ट वाला में एक नंबर का आंसर क्या होगा और दो नंबर का आंसर क्या होगा. ठीक है समझ आ रहा है. गुड गुड गुड. तो जहां भी रहेगा कौन वहां पे फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा ऑफ. तो यहां पे प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा ऑफ. एक नंबर क्लियर है. Second, यहां भी रहेगा रीजन फॉर रीजन फॉर फॉर. आप समझ आ रहेगा. आप समझिए. यस सर. यू आर टू व्हाट इज द कॉज ऑफ सुशांत डेथ. सुशांत की डेथ का कारण क्या है. नंबर टू द रीजन फॉर हर ऑप्शन. उसके अनुपस्थिति का कारण यह है कि सी इज अनवेल. वो अस्वस्थ है. ये बात समझ में आ गया आप लोगों को. चलो नेक्स्ट. नोट हो गया सबका. सबको इसको नोट कर लीजिए. जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा सबका कॉपी चेक होगा. जल्दी इन सेंटेंस कॉज एंड रीजन डेट है. आज बिल्कुल बिल्कुल बिठाते हैं. अब समझिए. यहां पर आप एक देखने वाली बात है. जैसे अभी हम लोग कॉज के बारे में बातें कर रहे थे रीजन के बारे में बातें कर रहे हैं ना. तो एक वर्ड है ये देखिए. ये वर्ड है डाई. ये वर्ड है डाई. डाई का हिंदी होता है मरना. ठीक है डाई का हिंदी होता है मरना. लेकिन ये मरना ऐसा खतरनाक वर्ड है. ऐसा खतरनाक वर्ड है कि जिस जिस कारण से मरता है आदमी हर उस कारण का अपना प्रीपोजिशन लगेगा. ये एक प्रीपोजिशन नहीं लगता है डाई के साथ. डाई के साथ आप देखें तो जिस यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा उसके बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग कि किस वर्ड के अकॉर्डिंग यह मरा है. जिस चीज के कारण वह मरा है तो उसी चीज के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगेगा. एक चीज से प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. जिस कारण से आदमी मरता है तो उस कारण का अपना प्रीपोजिशन लगता है. जैसे देखिए यहाँ पे हम एक प्रीपोजिशन दे रहे हैं ऑफ ना. तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से मर जाए डिजीज. अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए तो उस डाई के बाद और उस डिजीज के पहले फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है. आर यू गेटिंग मी. कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए तो उस बीमारी का जैसे नेम मेंशन होगा तो उस वो डाई के बाद प्रीपोजिशन अपने आप ऑफ ले लेगा. नंबर टू अगर कोई व्यक्ति हंगर से मर जाए. हंगर का मतलब होता है भूख. अगर कोई व्यक्ति भूख से मर जाए तो फिर भी वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा. आप समझिए.
अगर कोई व्यक्ति फास्ट से मर जाए यानी कि प्यास से मर जाए, आदमी मर जाता है प्यास से, तो प्यास से मर जाए तो उसके साथ भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, अफ्रिकेट। अगर कोई व्यक्ति ग्रीप से मर जाए, ग्रीप का मतलब होता है दुख, अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दुख के कारण मर जाए फिर भी वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है थोड़ा सा? वन सेकेंड। किसी बीमारी से कोई मरे तो प्रीपोजिशन डाई के साथ आओ, भूख से मरे फिर भी आओ, प्यास से मरे फिर भी आओ, अगर दुख से मरे तो फिर भी आओ, ठीक ना। और नंबर टू, डाई कहता है कि हम प्रीपोजिशन फ्रॉम भी लेते हैं, हम प्रीपोजिशन फ्रॉम भी ले सकते हैं, लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति किसी घाव से मरे। मुंड का मतलब क्या होता है? घाव। किसी घाव से मरेगा तो प्रीपोजिशन डाई को फ्रॉम चाहिए। या कोई व्यक्ति ओवर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब फोर, फोर का मतलब होता है आईएनजी। अगर कोई व्यक्ति वर्ब फोर से मर जाए यानी कि वर्ब में आईएनजी यानी ओवर प्लस वर्ब फोर से मरेंगे तो उनके साथ भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा डाई के बाद। अब समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बेड पर मर जाए तो इनको प्रीपोजिशन इन चाहिए। कोई व्यक्ति है जो बेड पे मर जाए, अच्छा है बैटलफील्ड में मर जाए, या बैटलफील्ड में मर जाए, कोई व्यक्ति बेड पे मरे चाहे बैटलफील्ड में मरे तो उसके साथ प्रीपोजिशन जो होगा इन लगेगा डाई के बाद। फिर देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन के साथ मर जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन के साथ मरे तो उस डाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? विथ लगेगा। फिर देखिए, बाय, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले यानी कि आत्महत्या कर ले तो उसके साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा। या कोई व्यक्ति किसी वायलेंस में मर जाए, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, अगर कोई हिंसा में मर जाए व्यक्ति, मार काट हो रहा हो उसमें मर जाए तो भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बाय लगेगा। आप समझिए, एक और डाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर का भी यूज किया जाता है। कब? जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर जाए, देश के लिए युद्ध करते करते मर जाए, या BELIEF, या कोई व्यक्ति अपने विश्वास के लिए मर जाए, ठीक ना, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फॉर लगेगा। इसमें से खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए एक बार रिपीट मार देते हैं। हमने कहा कि कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से मरे, भूख से मरे, थर्स्ट प्यास से मरे, ग्रीफ या दुख से मरे, ये चार तरीके से कोई व्यक्ति मरता है तो डाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। नंबर टू, अगर कोई व्यक्ति घाव से मरे या ओवर प्लस वर्ब फोर यानी कि वर्ब में आईएनजी लग जाए किस कारण से मरे तो प्रीपोजिशन फ्रॉम। अगर कोई व्यक्ति बेड पर मर जाए या लड़ाई के मैदान बैटलफील्ड में मर जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मर जाए तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ लगेगा, ठीक ना। अगर वही व्यक्ति अगर देश के लिए मर जाए या अपने विश्वास के लिए मर जाए तो प्रीपोजिशन फॉर लेगा। अगर वही व्यक्ति कोई आत्महत्या कर ले या किसी हिंसा में मर जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बाय लगेगा। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में, ड्रंकन मैन, ड्रंकन का मतलब होता है पियक्कर, एक पियक्कर व्यक्ति डाइड डैश ओवर ड्रिंकिंग। अब बात समझिएगा कि एक पियक्कर व्यक्ति मर गया ओवर आईएनजी लगा, आईएनजी या तो ऑफ होगा या तो बाई होगा
नहीं तो फ्रॉम होगा या विथ होगा। आंसर क्या हो सकता है आप लोग देखिए बताइए तो। एक सही है फ्रॉम। बात समझ में आ रहा है क्या होगा? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। फ्रॉम समझ आ रहा है कि यहाँ पे ओवर, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, और ड्रिंकिंग मतलब पीना, तो ओवर प्लस भरपूर यानी कि आईएनजी, तो ओवर भरपूर से मरा तो प्रीपोजिशन क्या ले लेगा? फ्रॉम। आंसर फ्रॉम हुआ। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? एक और देखिए, ये नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट करो। अभी एक दो और एग्जांपल देते हैं, फटाफट नोट कीजिए, हो जाता है जल्दी से डन बोलिए। एक दो एग्जांपल और दें ताकि आपको ज्यादा समझ आए। हो गया, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और देखिए, अ बिग डाइड दिस हंगर या थर्स्ट, या थर्स्ट, या तो ऑफ होगा या फ्रॉम होगा या विथ होगा। आंसर क्या है? अबेगर डाइट एस हंगर या थर्स्ट, टीएच आई आर एस टी, थर्स्ट। आंसर क्या होगा? ऑफ, फ्रॉम। समझ आ रहा है? ऑफ। गुड गुड वेरी गुड। तो यहां देखिए, यहां पे हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, तो थर्स्ट और प्यास से आप भी मरेगा तो प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ लगेगा। तो यहां पे आंसर क्या हो गया? ऑफ। नीचे वाला क्वेश्चन मिटा दें, एक और एग्जाम्पल देते हैं। पेपर में दिया हुआ था कि मदर डाइड डैश हर फोर चिल्ड्रन, हर फोर चिल्ड्रन, ए में, ऑफ, बी में, फ्रॉम, सी में, विद, और डी में, और। अब आप बोलिए कि आंसर ए बी सी या डी होगा, ए बी या सी या डी होगा। जैसे फटाफट फटाफट एक बटन तो टिपना है आपको, एक आदमी का आंसर आ रहा है बस, जल्दी। गुड गुड, सबका सही जा रहा है, गुड। अब बात समझिएगा, हमने क्या कहा है यहाँ कि पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मरे तो विथ लगेगा। तो यहाँ पे माँ मरी किसके साथ? मरी अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे क्या है? पर्सन है बच्चे, ये तो पर्सन हुए, तो पर्सन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? विथ लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और बेटा दे। She died dance on from, answer jaldi se, how, by, with, jaldi। एक आदमी क्या हुआ? गुड गुड गुड, हाँ हाँ जल्दी से एकदम करेक्ट। देखा जाए क्या लगा यहाँ पर, देख भैया, मरा ऊंड से, ऊंड लगा, तो जब भी ऊंड लगेगा तो प्रीपोजिशन क्या होगा? फ्रॉम होगा। देखो आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन समझ में आ जा रहा है ना आप लोगों को?
अच्छा जैसे बताए हम आपको कि is also used to show relation to show relation sit between two nouns between two nouns of का use दो नाउन के बीच relation को show करने के लिए भी किया जाता है. जैसे हम कहें कि जैसे कहें कि पूजा का भाई तो पूजा भी नाम उसका भाई भी नाम. तो ध्यान रहे कि जब भी दो नाम एक साथ यूज होगा तो इन दोनों के बीच या तो इक्वल ऑफिस आता है या तो ऑफ का यूज किया जाता है. या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला ऑफ होगा. जैसे माय फ्रेंड्स हाउस अपनी हाउस भी नाउन फ्रेंड भी नाउन. तो जब भी दो नाउन के बीच रिलेशन शो करना होगा तो या तो फर्स्ट ऑफिस आएगा या तो ऑफ आएगा. तो यहाँ पे क्या लग गया फर्स्ट ऑफिस. अगर ऑफ लगाना है तो फर्स्ट लास्ट वाले नाउन को फर्स्ट में किया जाता है और फर्स्ट वाले नाउन को लास्ट में किया जाता है. तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट में लास्ट वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में. समझ नहीं जा रहा अनीस मेरी साउंड जा रही है आप लोगों के पास. आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है आप लोगों को. हेलो आवाज जा रही है आप लोगों के पास. यस सर. ओके या ठीक है. तो फर्स्ट जब ऑफ लगेगा तो फर्स्ट वाला नाउन लास्ट में एंड लास्ट वाला फर्स्ट में फर्स्ट वाला लास्ट में एंड लास्ट वाला नाउन फर्स्ट में. तो क्या करना होगा अब समझिए कि लास्ट वाले को फर्स्ट में तो हो जाएगा कि द हाउस अब ये भी नाउन हो गया हमारा ऑफ माय फ्रेंड ये भी नाउन हो गया हमारा. तो जब भी दो नाउन के बीच रिलेशन शो करना है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं. बात समझ आ रहा है. तो जब भी दो नाउन के बीच रिलेशन शो करना है तो हमको ऑफ लगाना पड़ेगा. अगर या तो ऑफ लगाओ या तो एपोस्ट्रोफीस लगाओ. समझ आ रहा है सब लोगों को. क्लियर है. नोट कीजिए फटाफट. अच्छा प्रीपोजिशन तो सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ना. हर कोई चैट में आंसर दे दे तो यस और नो प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है. नोट हो गया सबका. ओके ठीक डन. तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. नाइस डे टू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी सकता है. एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चन. ओके देन आज के लिए बस इतना ही. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Bye, sir. Bye-bye.